कहानी जो मन को छू जाए, आपके मन को गुदगुदाए और कुछ सोचने पर मजबूर करे, ऐसी ही कहानियों में से है ये कहानी। स्यार और बुढ़िया का बेटा। एक थी बुढ़िया का बेटा। वो एकदम सीधा साधा भोला भाला था। वो यहाँ वहां कोई काम करके अपना और बुढ़िया का पेट पालता था। तो एक दिन होता क्या है, बुढ़िया का बेटा अपने काम से वापस आते वक्त देखता है कि कुछ लोग वारी करने के लिए आहाता तैयार कर रहे हैं। उसे भी लगता है कि वो भी सब्जी की खेती करे। वो घर जाकर माँ को अपने मन की बात बताता है। माँ कहती है, अच्छी बात है बेटा, तुम जरूर वारी करो। कौन सी सब्जी लगाऊं माँ? बुढ़िया कहती है, बेटा तुम ककड़ी के बीज बो, आजकल मंडी में ककड़ी का अच्छा भाव मिलता है। बुढ़िया से अनुमति लेकर बुढ़िया का बेटा तुरंत सब्जी की खेती करने की तैयारी में लगता है। वो सबसे पहले अच्छी सी उपजाऊ जमीन देखकर वहां आहाता बनाता है। उसके बाद वो जमीन खोदकर क्यारियां तैयार करता है। इतना करके बुढ़िया का बेटा ककड़ी के बीज क्यारियों में बोता है तो उसके सब के सब बीज अच्छी तरह से उगाते हैं और कुछ दिनों के बाद उनके छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। वो उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है, उनमें खाद गोबर डालता है तो वो पौधे और बड़े होकर लंबी बेलों में परिवर्तित होते हैं। ये देखकर बुढ़िया का बेटा बहुत खुश होता है। वो एक मंडप तैयार करके उस मंडप पर वे बेल चढ़ाता है। इस तरह बुढ़िया का बेटा दिन भर आहाता में ये काम करता रहता है। वो काम ऐसा करता है अब उसका घर में मन ही नहीं लगता। वो सुबह से शाम तक वहीं रहता है। कुछ और दिन गुजरते हैं, ककड़ियों की बेलों पर पीले पीले फूल लगते हैं और यथाकाल वो फलित होकर छोटी छोटी कोमल ढेर सारी ककड़ियां बेलों पर लटकने लगती हैं। उन्हें देखकर बुढ़िया का बेटा मन ही मन लड्डू खाने लगता है। वो सोचता है, ये कोमल ककड़ियां कुछ दिनों में पक जाएंगी तो मैं इन्हें तोड़कर मंडी में ले जाऊंगा, वहां जाकर इन्हें बेच दूंगा, उससे मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। वो लाकर मैं माँ को दूंगा, माँ उन पैसों से मेरी शादी करेगी, मुझे एक बीवी मिलेगी। इस तरह मन में ख्याली पुलाव पकाकर बुढ़िया का बेटा ककड़ियों के पौधों को पानी देता है, उन्हें खाद डालता है। तो कुछ और दिन गुजरते हैं, अब ककड़ियों के फल एकदम तैयार तोड़ने लायक होते हैं। तो बुढ़िया का बेटा तय करता है कि कल शनिवार है, कल मैं फल तोड़ूंगा और दूसरे दिन इतवार की खास मंडी बाजार में जाकर इनको बेचूंगा। इतवार को सब्जी खरीदी करने मंडी में बाहर के गांव के लोग भी आते हैं तो भाव ज्यादा मिलता है। दूसरे दिन बुढ़िया का बेटा थोड़ा जल्दी ही उठता है और हाथ में हसिया तथा टोकरी लेकर आहते में जाता है तो देखता क्या है, बेलों पर एक भी ककड़ी नहीं है। छोटे उंगलियों के आकार के कोमल फल मात्र लदे हुए हैं। बुढ़िया के बेटे को रोना आता है, कौन दुश्मन आ गया है यहाँ मेरी ककड़ियां चुराने, उसे मेरी ही ककड़ियां मिली थी क्या? बुढ़िया का बेटा फिर से ककड़ियों के पौधों की देखभाल करता है, उन्हें खाद पानी देता है तो जो कोमल ककड़ियां बची थी बेलों पर वे बड़ी होकर पकती हैं और नए भी फल उन पर लदने लगते हैं। उन्हें देखकर अब वो पहले ककड़ियों की जो चोरी हुई थी उसका दुख भूल जाता है और इन ककड़ियों को तोड़कर मंडी जाकर बेचने की सोचता है। तो वो दूसरे दिन फल तोड़ने के लिए टोकरी लेकर पहुंचा है तो पौधों पर एक भी फल नहीं है। कौन ले गया, किसने की मेरी ककड़ियों की चोरी, कौन है मेरा दुश्मन? बुढ़िया के बेटे की समझ में कुछ नहीं आता, वो उलझन में पड़ जाता है। वो वहीं सिर पर हाथ रखकर रोने लगता है तो उस ओर आकाश मार्ग से ईश्वर पार्वती ब्रह्मण के लिए निकले थे। देवी पार्वती के कानों में उसका रोना पड़ता है। वो ईश्वर से कहती है, सुनो जी, नीचे कोई मानव रो रहा है, जरा देखें तो उसको क्या हुआ है। ईश्वर कहते हैं, चलो देखें। वे दोनों नीचे जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बुढ़िया का बेटा देखता है। क्या हुआ पुत्र, इस तरह अकेले में बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या कहूं भगवान, आपको मेरे बेलों पर लगी हुई सब ककड़ियां रात को कोई आकर तोड़कर ले जाता है। मैं परिश्रम करता हूं लेकिन फल कोई और ही खाता है, ऐसा क्या है? ठीक है, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छी खासी तरकीब बताता हूं, तुम्हें तुम्हारा ककड़ियां चुराने वाला चोर तुरंत मिल जाएगा। और ईश्वर बुढ़िया के बेटे को
उसे क्या उपाय करना है ये बताकर पार्वती के साथ अपने मार्ग भ्रमण के लिए आगे निकलते हैं। उनके पीछे बुढ़िया का बेटा क्या करता है, ईश्वर ने जैसा बताया था वैसे 5 पेड़ों का लाशा निकालता है और एक बड़ी सी पक्षियों को लासे से चिपकाकर पकड़ने वाले के लिए बनाई गई एक खास बांस की छड़ी को लगाकर वो पाकटी बगीचे में सबसे बड़ी ककड़ी के नजदीक मंडप के पास खड़ा करता है और स्वयं वही आहते में छिपकर बैठता है। तो होता क्या है, बड़ा अंधेरा छाने के बाद एक स्यार वहां चुपके आता है और आहते से अंदर घुसकर ककड़ियों के उस मंडप के पास जाता है। जाकर स्यार हमेशा की तरह सबसे बड़ी ककड़ी को खाने के लिए पहले दाहिना हाथ आके करता है तो पाकटी को लगाए लाश से उसका दाहिना हाथ चिपक जाता है। अब स्यार बायां हाथ आगे करता है तो उसका बायां हाथ भी चिपकता है। अब स्यार अपना दाहिना पांव आगे करता है तो वो भी चिपक जाता है। तो वहां बायां पांव आगे करता है तो वो भी चिपक जाता है। आखिर में स्यार अपना मुंह आगे करता है वो भी चिपक जाता है। तो इस तरह स्यार एक गठरी बनकर वहीं गिर पड़ता है। इधर बुढ़िया के बेटे को कब रात खत्म हो और कब यह देखे कि कौन उसकी ककड़ियों का चोर है ऐसा हो जाता है। वो एकदम उतावला हो जाता है। आखिर में भोर हो जाती है और वो जहां उसने पाकांटी बांध रखी थी वहां जाता है तो देखता क्या है, पाकांटी से स्यार चिपका हुआ है। तो तू है ककड़ी चोर, यहां आकर तू खा रहा था ना मेरी ककड़ियां, अब खिलाता हूं तुझे मेरे हाथ की ककड़ियां। बुढ़िया का बेटा एक बड़ा सा डंडा हाथ में लेकर आता है और लगता है स्यार को पीटने। उसके 10-12 डंडे खाने पर स्यार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, भूल हो गई मेरी, मुझे माफ कर दो, अब कभी तुम्हारी नहीं नहीं किसी की भी ककड़ियां चुराकर नहीं खाऊंगा। बुढ़िया का बेटा कहता है, माफ कर दूं तुम्हें, नहीं करूंगा, ककड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अम्मा मेरी शादी करवाने वाली थी, मुझे बीवी मिलने वाली थी, वो सब तुम्हारी वजह उल्टा पुल्टा हो गया। ऐसा क्या, मेरी वजह से अब तुम्हें बीवी नहीं मिल रही है, तो मैं देता हूं तुम्हें बीवी लाकर, पर उसके लिए तुम्हें मेरी पिटाई बंद करनी होगी, बीवी मिलेगी। ये सुनते ही बुढ़िया का बेटा एकदम खिल उठता है, वो तुरंत स्यार को पीटना बंद कर देता है। इस बीच स्यार को बात समझ में आ जाती है कि जो कुछ बुढ़िया के बेटे ने किया है उसके पीछे ईश्वर भगवान की ही बुद्धि है। कोई बात नहीं, ईश्वर भगवान की बाजी मैं उन पर ही उलट दूंगा। स्यार मन ही मन कुछ तय करता है और बुढ़िया के बेटे से कहता है, तुम्हें बीवी चाहिए ना, एक काम करो, घर पर जाकर एक औरत जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी आटे की गुड़िया बनाओ, उसे तेल में तलो और लाकर मुझे दे दो। बुढ़िया का बेटा जैसे स्यार कहता है वैसा ही करता है। तो स्यार बुढ़िया के बेटे की दी हुई वो आटे की गुड़िया लाकर शंकर भगवान और देवी पार्वती के भ्रमण के रास्ते पर रखता है। उनका आने का समय तो था रात को। उस दिन जब दोनों आकाश मार्ग से भ्रमण करते करते उस जगह पहुंचते हैं तो ईश्वर की नाक तले हुए आटे की खुशबू सूंघ लेती है। वह क्या खुशबू है, लगता है आटे से बना कुछ खाद्य यहीं कहीं है, चलो नीचे उतरकर देखते हैं क्या है वो। शंकर भगवान और देवी पार्वती दोनों नीचे उतर आते हैं। शंकर भगवान देखते हैं कि आटे से बनी एक लचीली गुड़िया वहां है, उसकी खुशबू से उनसे रहा नहीं जाता और उनके मुंह में पानी आ जाता है। वे गुड़िया का एक एक टुकड़ा तोड़कर उसे खाना शुरू करते हैं। देवी पार्वती उन्हें मना करती है, कहती हैं, सुनो ये गुड़िया किसने यहाँ रखी है, क्यों रखी है, मालूम नहीं, उसे खाना ठीक नहीं होगा, शायद किसी ने काला जादू करके भी रखी होगी, आप मुसीबत में आ सकते हैं। लेकिन शंकर भगवान उनकी एक नहीं सुनते, वे पहले गुड़िया का एक हाथ खाते हैं, बाद में दूसरा, फिर एक पांव, फिर दूसरा पांव, ऐसे करते करते वे पूरी गुड़िया खत्म कर देते हैं, सिर्फ उसकी गर्दन बाकी रह जाती है। आखिर में गर्दन खाने के लिए वे उसे मुंह के नजदीक लेते हैं तो इतनी देर तक छुपकर ये सब तमाशा देखने वाला श्यार जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे लोगों देखो, शंकर भगवान ने मेरी बेटी को खा लिया, उसके शरीर का एक एक टुकड़ा तोड़कर खाया रे, मेरी बेटी मर गई रे, अरे मैंने तो बुढ़िया के बेटे को उसे ब्याह कर देने का वचन दिया था, अब क्या करूं रे। अब शंकर देव की समझ में आता है कि ये सब स्यार की ही चालबाजी है, अब क्या कर सकते हैं, उसकी बेटी को मैंने खाया, स्यार तो ऐसा कहकर जोर जोर से चिल्ला रहा है, किसी ने सुन लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। सोचकर ईश्वर स्यार से हाथ जोड़ते हैं, ओ स्यार
तुझे अपनी बेटी चाहिए ना, मिलेगी, मैं उसे जीवित करूंगा, लेकिन पहले चिल्लाना बंद कर दो। स्यार को और क्या चाहिए था, उसे तो सिर्फ वो गुड़िया जीवित चाहिए थी। वो हो जाता है चुप। तब शंकर भगवान जी अपनी मंत्र साधना से गुड़िया के बचे हुए गर्दन को धड़ लगाते हैं, बाद में उसमें जान फूंक कर उसे जीवित करते हैं। जीवित हो गई तो गुड़िया एक मानवी औरत बन जाती है। ईश्वर उसे स्यार के हवाले करते हैं और देवी पार्वती को लेकर अपने रास्ते चले जाते हैं। बाद में स्यार उस औरत को बुढ़िया के बेटे को देता है और जंगल में चला जाता है। बुढ़िया का बेटा उस औरत को लेकर अपने माँ के पास जाता है। माँ उस औरत को देखकर खुश हो जाती है। वो दूसरे दिन सुबह उठकर पंडित के पास जाती है। पंडित से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर उस औरत के साथ बेटे की शादी करवाती है। उसके बाद बुढ़िया, उसका बेटा और उसकी बहू खुशी से रहते हैं।